लफ्जों में कहां दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला, अगर तुम उस बारे में ज्यादा मत सोचो, थोड़ा अजीब सा ख्वाब था बस। और फिर आप परेशान हो गए और मुझे कॉल किया कि मैं ठीक हूँ या नहीं। यहाँ पर बहुत सख्ती है और ये वक्त मिस हयात के काम करने का है। इस केस के सारे सबूत हमने इकट्ठे करने हैं, सारे सबूत इकट्ठे करके उसके सर पे मारेंगे ताकि दीदम नीचे गिर जाए। ये ठीक बात है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं मुराद से शादी करना चाहती हूँ। तुम लोग दीदम के बारे में पूछने आए हो? हाँ दुरुग बोलो। भाई आप अभी भी घर पर हैं? हाँ। आप वहां से बाहर निकल जाएं। क्यों, क्या हुआ? दीदम ने कॉल की थी मुझे और कह रही थी तुम्हारा भाई फोन नहीं उठा रहा। वो मुझे बहुत देर से कॉल कर रही थी, सब खैरियत तो है? नहीं भाई, खैरियत ही तो नहीं है। दीदम ने मुझसे कहा है कि मैं अपना वीकेंड गुजारूंगी तुम्हारे भाई के घर पर जाकर उसके साथ। मेरी जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज ही नहीं है, हर रोज कोई ना कोई मसला हो जाता है। भाई कसम से मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है आपको बता के। अगर आप ये वीकेंड दीदम के साथ गुजारना चाहते हैं तो आप वहीं पर रहें। तुम कहां हो इस वक्त? मैंने सोचा है कि मैं अपना ये वीकेंड एक खुली फिजा में गुजारूं। मैं घर से निकल चुका हूं और आपको लोकेशन सेंड करता हूं। वैसे आप मजीद घर पर रहेंगे तो फंस जाएंगे भाई। अच्छा चलो ठीक है, मैं आता हूं तुम्हारे पास। क्या बात है, मैंने अपना मिशन पूरा कर दिया। क्या बात है, कहाँ हूँ, पहुँच गया हूँ मैं। भाई आप अपनी गाड़ी वहीं पर पार्क करें और सीधा चलते हुए आगे आ जाएं। थोड़ा सा आगे आएंगे तो राइट पे ही खड़ा हूँ मैं। अच्छा भाई, तो आप जल्दी से आ जाएं यहाँ पर। ओके ठीक है, समझ गया, आता हूँ मैं। कितना अच्छा लग रहा है ना बाहर आके, सही फैसला था ना? हाँ मेरी दोस्तों, यहाँ आने का फैसला बिल्कुल ठीक किया। देखो फ्रेश एयर है, मौसम भी कितना अच्छा है यार, बिल्कुल मजा ही मजा। काश अभी मुराद सर भी साथ होते तो और भी अच्छा लगता। क्यों फिक्र करती हो मेरी जान, एक दिन ऐसा जरूर होगा, तुम इसके बारे में इतना मत सोचो। आहा, नाम लिया और बंदा भी हाजिर। ये यहाँ पर कैसे आ गए? इस कारनामे को मैंने अंजाम दिया। कैसा लगा? बहुत अच्छी लड़कियों, आज तुम्हारी टीचर आई पे बहुत खुश है तुम्हारे काम से। खुश आमदीद मुराद साहब, बहुत अच्छा सरप्राइज दिया आपने। मेरा दोस्त आ गया, अब मजा आएगा ना इस पार्टी का। काम करते हुए अच्छे लग रहे हो तुम। शुक्रिया। ध्रुव तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये सब भी यहाँ पे? मगर मैंने तो आपको बताया था, अब आपको याद नहीं। ध्रुव तो मैं ही भूल गया हूँ। भाई से क्या फर्क पड़ता है अगर हयात और उसकी दोस्तें हमारे साथ हैं? तुम्हें मुझे ये सब कुछ पहले बताना चाहिए था। इसका मतलब शायद आप अपना वीकेंड दीदम के साथ गुजारना चाहते थे। मगर मैं इससे भी बेटर सलूशन निकाल लेता। हयात वो लड़की है जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे ख्याल से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रुक जाओ रुक जाओ, तुम्हें तो कुछ भी बनाना नहीं आता लड़की। अब ऐसा भी नहीं है, सलाद बनाना तो मुझे आता ही है। तुम भी ना इतना सा काम कर रही हो और पसीना देखो कितना आ रहा है।
आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, टमाटर का रस तुम्हारे हाथ पे लगा हुआ? नहीं, आपके आने से। मौसम कितना अच्छा है ना, आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? यहाँ कैसा लग रहा है, सारी परेशानी दूर हो गई। तो ये तो अच्छी बात है ना आपके लिए। हाँ, तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो मैंने हर वो काम किया जो मैं कभी नहीं करता था। ये देख रही हो, सलाद बना रहा हूँ मैं यहाँ बैठकर। एक तो आप हर चीज के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। आपको याद है आपने क्या कहा था? सुनो सबकी और करो अपने दिल की। अच्छा तो तुम्हें मेरी बात याद है। यहाँ का मंजर कितना अच्छा है ना, ये लोग सारा काम हमें देकर खुद पता नहीं कहाँ घूमने चले गए। करीम। हाँ, वो लोग शायद लकड़ी इकट्ठी करने गए हैं और कुछ चीजें भी लेने गए हैं। ओहो, ओहो, ये क्या है अब? क्या हुआ? आए करीम, मुझे तुम्हारे बॉस को इस हालत में देख के बहुत बुरा लगता है। तुम्हें भी तो बुरा लगता होगा। आहो, जो लड़के हैं आज के, वो अंदर से इन पेड़ों की तरह बिल्कुल खोखले हो गए हैं, कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी भी नजरें कमाल हैं, हर चीज को बहुत अच्छी तरह देख लेती हो, लेकिन बस तुम मेरे दिल में लगी आग को नहीं समझती। करीम जान, वैसे मुराद जिस लड़की से शादी कर रहा है, क्या वो उसके काबिल है? सुना है कि वो मॉडल है। क्या कहा तुमने, मेरे बारे में पूछ रही हो मुझसे? तुम्हारा नहीं, उस मॉडल का बताओ। ये समझो कि उस लड़की का दिमाग बिल्कुल खाली है, कोई उसे पसंद नहीं करता और ना ही भरोसा करता है उस पर। वैसे करीम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, क्या कह रही हो तुम? तुम अभी अपनी लव स्टोरी साइड पे रख सकते हो, वो लड़की उसे धोखा दे रही है, चीट कर रही है। कौन किसे धोखा दे रहा है, क्या कह रही हो तुम? वो प्रेग्नेंट है, ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर उसने तो सारे टेस्ट अपने करवाए थे। मेरे प्यारे करीम जान, मुझे रखने से कोई अकलमंद नहीं हो जाता। बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि क्या क्या होता है इस दुनिया में। मुराद टेस्ट करवाने के वक्त उसके साथ गया था, उस बच्चे को कंप्यूटर पे घूमते हुए देखा था। मुंह क्या खोल रहे हो, जवाब दो। अरे हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये बात मैं मुराद को कैसे कहूंगा? करीम देखो, आज तुम्हें अपनी दोस्ती का सबूत देना होगा। करीम, हिम्मत करो और जाके उसे सब बता दो। और डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी मदद करें प्लीज। अरे क्या हुआ इसे? क्या हुआ है बच्ची को? खेलते वक्त मेरी बच्ची का सर फट गया है। अगर आप चाहें तो मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा सकता हूँ, गाड़ी है मेरी करीब। शुक्रिया, लेकिन मेरी दोस्त टैक्सी लेने गई है। मेरी मामा थोड़ी बीमार हैं, मैं एक वक्त में दोनों का ख्याल नहीं रख सकती। फिक्र नहीं करें, हम इसकी अम्मी को संभाल लेंगे। मेरी मामा हॉस्पिटल को देख के घबरा जाती हैं, इसी वजह से मैं उनको साथ नहीं ले जा सकती। मैं एक घंटे तक आ जाऊंगी वापस। अच्छा, क्या होगा? टैक्सी आ गई। अच्छा, एक और बात बतानी है, इनका नाम सलीमी है और इनका मोबाइल नंबर इनके बैग में है। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे।
सलेमी आंटी, चलो। सलेमी आंटी खड़ी क्यों हैं? आके बैठ जाना वहां पे। अपनी बेटी के घर में बैठने के लिए मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी दामाद जी। आपको कोई गलतफहमी हो रही है, इनका नाम मुराद है। मुराद कौन है? जिनको आप अपना दामाद समझ रही हैं। बात सुनो मेरी, तुम मेरे सामने अपने शौहर की साइड लेना बंद कर दो सेवदा। सेवदा? सेवदा, हाँ सेवदा। हाँ मेरी बेटी, जिसको तुमने वापस घर भेज दिया था और जिसकी तुमने जिंदगी तबाह कर दी। बात सुनो कामिल, जाओ पानी लेकर आओ, जल्दी जाओ। कुछ कहा है मैंने कामिल? जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आपको कामिल समझ रही है। ये तो बताओ उस क्लिनिक का नाम क्या था जहाँ दीदम चेकअप के लिए गई थी? यार असली हद कर दी है तुमने। दीदम, दीदम का टेस्ट और वो क्लिनिक, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार वो मुल्क की इतनी बड़ी मॉडल है, पता तो चले चेकअप कहाँ से करवाती है। यानी अगर वहाँ का माहौल अच्छा हुआ, डॉक्टर्स अच्छे हुए, तो मैं भी जाऊँगी वहाँ पर। मैं नहीं जा सकती क्या? इसमें बुराई क्या है? समझ में नहीं आ रहा तुम क्यों पूछ रही हो ये। कुछ हुआ है क्या? शायद हो भी सकता है, मुझे कैसे पता होगा। वो एक मैटरनिटी क्लिनिक है, वहाँ तो प्रेगनेंसी के लिए जाते हैं, कहीं तुम। अरे क्लिनिक जाए बगैर कैसे पता चलेगा। तुम तो छुपी रुस्तम निकली, कौन है तुम्हारी जिंदगी में? क्या नाम है उस खुश नसीब का? अरे ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो मुझसे? आने वाले वक्त की बात कर रही थी मैं। तुमने मुझ पर इल्जाम लगा दिया, एक शरीफ लड़की हूँ मैं, कोई लड़का नहीं है मेरी जिंदगी में। मिस्टर द्रुक, मुझे उस क्लिनिक का पता बताओ जल्दी से। वो कहीं निशान तासी में है। तो इसका मतलब तुम साथ गए थे? हाँ। तुम मौजूद थे वहाँ जब उसने ब्लड दिया था? नहीं, बाहर खड़े होकर वेट कर रहा था मैं। चलो अब जल्दी से शुरू हो जाओ और बताओ मुझे कि उस क्लिनिक का नाम क्या है। उस क्लिनिक का नाम गुंजल लार था, प्राइवेट था। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने तुम्हें डरा दिया ना, डर गए ना तुम, इसके लिए माफी चाहती हूँ। अच्छा बात सुनो ध्रुव, गहरी गहरी सांसें लेने से तुम बेहतर महसूस करोगे। वैसे हमें वहाँ जाना था मशरूम्स लेने असली, मगर एड्रेस पूछने के चक्कर में तुम भूल गई। भूल जाओ ये सब। देखो तो जरा, जो तुम पानी लाए उसमें कोई जायका ही नहीं। लेकिन अगर आपको दूसरा पानी चाहिए तो ला दूं। छोड़ो पानी की बातें, जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया वो गलत है। अच्छा ये बताओ तुम मेरी बेटी को खुश तो नहीं रखते हो दामाद जी? नहीं आप मुझे गलत समझ रही हैं। पहली बात तो ये है कि मेरा नाम कामिल नहीं है, और दूसरी मैं आपको बता दूं ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते मॉम। अब आधा घंटा उन्हें बर्दाश्त करना है तो ये सब कहना ही पड़ेगा, उनकी हालत देखें। मॉम आप कुछ खाएंगी क्या? हाय मैं कुर्बान हो जाऊं तुम पर। हाय जितने प्यार से तुमने मॉम कहकर पुकारा है मुझे। हाँ सच बताऊं तो तुम मेरी प्यारी बेटी के काबिल ही नहीं हो दामाद जी। क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? चुप हो जाओ, मुझसे क्या पूछ रहे हो। मैंने तुम्हें अपनी इतनी खूबसूरत बेटी दी दामाद जी, जो कि बहुत खूबसूरत है। आपको ये लड़की खूबसूरत लगती है? आपको ठीक से दिखता जो नहीं है। शाबाश मेरी बच्ची, इसे इसी तरह खींच के रखा करो। बिल्कुल सही कहा आपने, आप तो जानती हैं अपने दामाद को, हर वक्त बिला वजह की शिकायतें करता रहता है, मुझे परेशान करता रहता है, कितना दुख दिया है इसने मुझे। ये बिल्कुल गलत कह रही है सलीमा आंटी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया इसके साथ, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। क्यों सलीमा आंटी? हाँ लगता है तुम्हारे वालिद साहब ने तमीज नहीं सिखाई। मेरे बाबा को कह रही है? अपने मुंह में क्या बुड़बुड़ा रहे हो, जो कहना है मेरे मुंह पे कहो। देखिए आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी बेटी ना तो कोई इतनी खूबसूरत है और उसकी जुबान तो इतनी लंबी है। हाँ? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं, जब तुमने मेरी इतनी मिस्टेक्स बताई है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारी मिस्टेक्स बताऊं। हाँ सबसे पहली बात तो यह है कि इसे सलाम तक करना नहीं आता, ऊपर से ये मेरी इज्जत भी नहीं करती, जब भी घर जाता हूँ सर में दर्द की तरह रहती है ये लड़की मेरे। और आप पे तो सारी अच्छाइयाँ खत्म हो जाती हैं, इतना अच्छा दामाद तो अम्मी को मिल ही नहीं सकता था कहीं। मॉम आपका ये जो नाराज दामाद है जिसे मैं किसी भी वक्त खो दूंगी, मैं नहीं जानती कि उसके बाद मैं क्या करूंगी। खैर आपको मैं क्या बताऊँ, एक दफा तो इन्होंने मुझे मारा भी था, मरते मरते बची थी मैं। ये क्या कह रही हो? और क्या करूँ,
अरे वाह, एक ही टाइम पे पहुंचे वापस। कैसा रहा, सब ठीक तो था ना? हम भी ठीक हैं और बाकी सारी चीजें भी ठीक है। मुझे दो। हाँ? ये आंटी कौन है और कहाँ से आ गई? आपकी बेटी के साथ शादी करके तो मैं दुखी हो गया। देखा, आपने मान ही लिया कि आप दुखी हैं। और मुझे गुस्सा भी आ रहा है। इतनी खुदगर्जी अच्छी नहीं। तुमसे तो बात करना फजूल है। बदला लेना तो कोई आपसे सीखे। अब ये इमोशनल ड्रामा करके मुझसे शिकायत मत करो। मैं शिकायत नहीं कर रही, बल्कि हकीकत बता रही हूँ। आपको तो सिर्फ मौका चाहिए होता है मुझे तकलीफ पहुँचाने का, और कर भी क्या सकते हैं? भाई, यहाँ पर हो क्या रहा है? मैं कुछ सवालात कर रही थी अपने दामाद कामिल से। अब जबकि मेलिडा बरना आ ही गए हैं, तो हम लोग हर मौजू पर खुलकर बात कर सकते हैं। ये बरना और मेलिडा कौन है? बड़े दामाद साहब, खामोश। मुझे तुम अच्छे नहीं लगते, तुम्हारी माँ भी तुम्हें पसंद नहीं करती। एक मिनट, जरा रुको 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 रुको, क्या मैं भी इस सीन में हूँ? तुम नजमी, मेरा बच्चा, आ जा जल्दी से। तुम मेरी फैमिली में सबसे अच्छे दामाद हो। आ जाओ मेरा बेटा, मेरे पास आकर बैठो। मुझे तुम पर तो बहुत फखर है, मेरा प्यारा बेटा। ये लड़का ना तो कुछ करता है, लेकिन फिर भी जीत जाता है हमसे। इधर देखना अफसरदा दामाद जी, मुझे अब तुम बोलते हुए नजर मत आना, सुन लिया? बड़े दामाद साहब, जाओ जाके लकड़ियां जलाओ, जाओ। तुम बात सुनो मेरी, टेबल सेट करो जाकर, जल्दी जाओ, जल्दी। मेलिडा, जाओ और जाकर अपने हस्बैंड की मदद करो, वो किसी काम का नहीं है। चलो जल्दी से चली जाओ वहाँ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मॉम, इसे कुछ भी नहीं मालूम, ऐसा ही है ये फारिग आदमी। ये लड़की तो बहुत अकलमंद है। अच्छा, मुझे क्या करना है? अच्छा, जल्दी से इधर आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी। मेरे ये दोनों बहुत प्यारे बच्चे हैं। अरे, तुम दोनों इस दुनिया में अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम लोगों का साथ दूंगी। अरे, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे। थैंक यू माई डियर। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि मैं बहुत बड़ी फेमस मॉडल हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ यूँ जर्नलिस्ट के सामने शो करूँ। बड़ी मुश्किल से उन रिपोर्टरों से बचकर आई हूँ मैं यहाँ। डैड निजात घर पर हैं क्या? नहीं, वो बाहर गए हैं। पर दादी तो घर पर ही होंगी ना? अपने कमरे में सो रही हैं। हाँ ठीक है ठीक है, सोने दो उन्हें। हाँ, ये आपके लिए लाई थी। वाकई मेरे लिए? बिल्कुल, ये गिफ्ट मैं इसलिए लाई हूँ, जो आप मेरी हेल्प कर रही हैं उसके लिए है। ये तो बहुत वजनी है दीदम, तुम्हें ये उठाकर नहीं लाना चाहिए था यहाँ पर। मगर क्यों? तुम प्रेग्नेंट तो हो ना? बिल्कुल मॉम, आप ठीक कह रही हैं। हाँ, आइंदा से एहतियात करूँगी कि कोई भारी चीज़ ना उठाऊँ। आप सब तो मसाइल में उलझे हुए थे, बस मैं और मेरी वाइफ सेफ थे। हाँ मेरे हस्बैंड, शुक्र है मैंने तुमसे शादी कर ली। वैसे एक बात तो है, उन आंटी को ये लगने लगा था कि हम सबकी एक दूसरे से शादी हुई भी है। खुद तो बैठी हुई थी और हमसे काम करवा रही थी यार। हाँ ठीक कह रही है एपिक, लेकिन बहुत अच्छी थी और उनके साथ मजा भी बहुत आया। हाँ, मुझसे हयात से पूछो कितना मजा आया हमें। चुप हो जाओ बेकार दामाद कामिल। अरे ये गिटार कौन बजा रहा है? मेरे ख्याल से पुलिस को जाके बताना चाहिए हमें। बहुत बुरी बात है दुरुक, शर्म करो। कोई जाके उससे पूछे तो कि इतने अंधेरे में अकेला बैठ के क्या कर रहा है। तुम्हारी जो ये रहम दिली ना दूसरे आदमी के साथ, मुझे परेशान करने लगती है। जब तुम्हारा दिल टूटेगा ना तो मालूम होगा तुम्हें। मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। अरे मैं तो इसे जानती हूँ, ये बहुत मशहूर सिंगर है। उगर, उगर, पूरा नाम क्या है? एक्यूरिक, एक्यूरिक। हाँ वही। उगर एक्यूरिक है। मैं उससे मिलने जा रही हूँ हयात, मुझे रोकना मत।
अच्छा तो तुम अपने मासूम शोहर को छोड़ के एक मशहूर सिंगर के पास जा रही हो। रुको मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। एक नर्स हूँ मैं। है? अच्छा आपसे मैं बात करता हूँ। ये नहीं कह पाएगी। दरअसल हम वहाँ पर काफी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। आग भी है और खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ है हमारे पास। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमें ज्वाइन करें। अगर बीपी चेक करवाना हो तो उसके लिए नर्स मौजूद है। एक शर्त है कि मैं गाना नहीं गाऊंगा। अगर मंजूर है तो मैं चलूंगा। क्या? अगर आपने एक गाना गा दिया तो कोई मौत थोड़ी हो जाएगी? आप इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं चलता हूँ। ठीक है, गाऊंगा अभी। वेलकम। थैंक यू। आप सब ठीक है ना? आप कुछ पियेंगे? तुम मेरे पास ही बैठ जाओ। तुमने अपना कुशन देखना, मजा आएगा। गाना सुनेंगे? चले प्यार भरा एक नया सॉन्ग सुनाता हूँ आपको। रोमांटिक गाना गाऊंगा मैं। इसका गाना मैं तुम्हें डेडिकेट करता हूँ हयात। वो मैडम सलमी ने कहा है ना कि मेरी बेटी को खुश रखना है, इसलिए कहा मैंने। अपनी पसंद बाद में बताएंगे आपको। ठीक है। Dokundum en sıcak Ağustos akşamısı Ellerinde sevdanın yanık kokusu Gezindim mavare bir deniz kıyısı En güzel mehtap sensin denize dost Dokundum en sıcak Ağustos akşamısı Ellerimde sevdanın yanık kokusu Gezindim navare bir deniz kıyısı En güzel mehtap sensin denize dost Aretin bulunmayan Haykırdığın duyulmayan Sen asla dün olmayan Bir yaşanmamış an Aradım bulunmayan Haykırdığın duyulmayan Sen asla dün olmayan Bir yaşanmamış an Saçların rüzgarsa Gözlerin nerede? Sesin şarkılarda nerede? Yüreğin Ellerimde sevdanın yanık kokusu Ey adı sevda nerede? Ellerim Aradığım bulunmayan Haykırdığım duyulmayan Sen asla dün olmayan Bir yaşanmamış an Aradığım bulunmayan Haykırdığım duyulmayan Sen asla dün olmayan Bir yaşanmamış an Aradığım bulunmayan Haykırdığım duyulmayan Sen asla dün olmayan Bir yaşanmamış an ये तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। हाँ आखिरकार बहू किसकी हूँ मैं। अच्छा ये बताओ तुम पियोगी क्या?
वैसे आज तो मैंने बहुत कॉफी पी है, एक कप आपके हाथ की मिल जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। तुमने सारा दिन कॉफी पी है, वो तो बहुत गर्म होती है। क्या तुम्हारे डॉक्टर ने नहीं बताया तुम्हें? जी ठीक कह रही है, मैं आपके पास इसीलिए भी आई थी कि आपका कोई जानने वाला डॉक्टर है। असल में मैंने उससे अपनी डिलीवरी की बात करनी थी, मेरा कोई अच्छा डॉक्टर जानने वाला नहीं है। हाँ ध्रुव, तुम तो मेरे साथ चलोगे ना घर? नहीं भाई, कल मेरा काम पर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, प्लीज। एपेक मेरे साथ जाएगी, मैं उसे घर छोड़ दूंगा। अच्छी बात हो गई। और हयात तुम? हयात, अभी बहुत रात हो गई है, तुम हमारे साथ ही चलो, हम बैठ के बातें करेंगे। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे ड्रॉप करें। बात सुनो हयात, तुम रात को अकेले घर में क्या करोगी? एपेक ठीक ही कह रही है, तुम हमारे साथ चलो, आ जाओ। किसी और दिन फ्रेंड्स, मुझे अभी घर जाना है। हाँ ये लीजिए मैम। मुराद के कहने पर हमने फैसला किया है कि तुम दोनों की शादी हमारे बैकयार्ड में होगी। वैसे तुम फिक्र ना करो, मैं इस जगह को बहुत खूबसूरत सजा दूंगी। मुझे मालूम है दरिया मॉम, आप इसी जगह को इतना अच्छा बना लेंगी मेरी वेडिंग के लिए। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस जगह को कैसे सजाऊं। खर्चा चाहे जितना हो, बस सब कुछ मुनफरिद होना चाहिए। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि समर्स के हिसाब से जो फूल डिसाइड करें वो भी मुनफरिद हो। ये है मेरी प्लानिंग, क्या ख्याल है? क्या? हाँ फूल तो होने चाहिए, फूल ही से तो सब कुछ होता है। अगर शादी में फूल नहीं होंगे तो शादी का फायदा ही क्या? फोन उठा लो दीदम, मुझे लगता है किसी ने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। नहीं वो इतनी कोई जरूरी कॉल नहीं है, घर जाऊंगी तो आराम से बात कर लूंगी इससे। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, फ्लावर्स, हमारी शादी, ऐसा लग रहा है मैं जैसे कोई ख्वाब देख रही हूँ। ये ख्वाब नहीं हकीकत है दीदम। क्या मतलब दरिया मॉम, मैं समझी नहीं। मुझे पता है कि प्रेग्नेंट नहीं हो तुम, आज का दिन बहुत अच्छा था। जी हाँ बिल्कुल, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला मुराद? मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने तुमसे क्या कहा था। सुबह उठ के क्या मैंने तुम्हें फोन किया था? मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। फिर मैंने क्या झूठ बोला तुमसे? कि आप दीदम से प्यार करते हैं। अब ये बात अचानक से कहां से आ गई? टूअल मैडम, दुरुक, और यहाँ तक कि आपकी दादी ने भी आज यही कहा था कि। उन सब ने क्या बोला है तुम्हें? यही कि शादी एक समझौता है। हाँ बोलो, आज तुम्हारा जो दिल चाहे मुझसे कहो, बोलो, जो कहोगी सुनूंगा मैं। मैं तो यहाँ आपकी बात सुनना चाहती हूँ। ठीक है, हाँ उस दिन मैंने तुमसे झूठ बोला था, मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन क्यों, क्यों मजबूर थे आप झूठ बोलने के लिए? ताकि तुम्हें कुछ ना हो। किस लिए, किससे बचाना था? आपको लगा कि आप मुझसे झूठ बोलकर मुझे बचा लेंगे? आपने मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है, अपनी ही नजरों में गिर गई हूं मैं। टूट चुकी हूं मैं बिल्कुल। हयात, thank you.
बहुत दुख दिया है मुझे। मैं वादा करता हूं तुमसे, आइंदा तुम्हें कभी कोई दुख नहीं पहुंचाऊं, हमेशा खुश रखूंगा। अच्छा ना, प्लीज प्लीज रो मत, ऐसे मत रो प्लीज। कैसे कर सकती हो, इतना बड़ा झूठ बोला है तुमने हमसे। मुराद मुझे छोड़ रहा था, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। और भी बहाना कर सकती थी उससे, तुमने अपने टेस्ट भी करवा लिए, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट भी ले आई, अंजाम का बिल्कुल नहीं सोचा तुमने। जी मैंने ये सब कुछ नहीं सोचा, बस उस वक्त जो कुछ भी समझ आया मैंने कह दिया मुराद से। तुमने कहा कि प्रेगनेंसी को 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड तो कुछ और ही बता रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुराद को बेबी की कोई फिक्र नहीं है। क्या बात है, आफरीन है तुम पर। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मुराद को ये बात शादी के बाद पता चली तो वो कुछ नहीं कर सकेगा। मुराद को जानती हो तुम? उसे जब ये पता चलेगा ना तो तुम्हें तलाक दे देगा वो। वो शादी सिर्फ इस बच्चे की वजह से कर रहा है। आप ही बताइए मैं क्या करूँ। ये सब तुम्हें प्लान बनाने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम खुद ही सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं पिछले 2 घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कहाँ रह गई थी? क्या हो गया असली? तुम्हें मालूम है ना कि मैं अपनी जॉब से उठ के आ रही हूँ, ऑफिस से निकलना इतना आसान नहीं होता। जॉब तो सिर्फ तुम करती हो ना, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं पार्क में टहल रही थी। तुम्हें पता है ना आज कितनी सर्दी है, यहाँ तुम्हारा इंतजार करते करते मैं जम गई। हाँ तो तुम्हें इस वजह से गुस्सा आ रहा है? नहीं, तुमने आज तक मेरा गुस्सा देखा ही कहाँ है मिस आफिक, समझी? बस ये काम जल्दी से खत्म हो जाए, घर चलेंगे उसके बाद, फिर मैं अपना सर तकिए पे रखूंगी और सुकून से सो जाऊंगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। एपिक असली, असली उठो उठो, आंखें खोलो, सीधी खड़ी हो, गर्दन ऊपर। यार चलो जल्दी से बताओ अब हमें क्या करना होगा। तुम सोचो जरा, अगर दीदम हकीकत में प्रेग्नेंट ना निकली तो हयात और मुराद की लव स्टोरी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो हमें मालूम है, मगर होगा कैसे? तो फिर क्या करें बताओ। मेरी सुस दोस्त, हमें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, मिशन स्टार्ट करो और आगे बढ़ो। आप इतने खामोश क्यों बैठे हैं मुराद सर? हाँ कुछ सोच रहा था मैं। अच्छा ठीक है, अब किस बारे में सोच रहे हैं आप? फौरन ही पूछ लिया तुमने। मैं तो ऐसे ही पूछा था, अगर आपका दिल चाहे तो बता दें। मैं कॉल कर लूं फिर इस बारे में बात करते हैं, 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप आराम से अपनी कॉल सुन लें। मुराद। दीदम। हाँ बोलो मुराद। तुम्हें डॉक्टर के पास कब जाना है? तुम क्यों पूछ रहे हो ये? अब जब भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मगर क्यों? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता? ठीक है मुराद, जब जाना होगा मैं तुम्हें बता दूंगी। तुमने ये कहा कि तुम मेरे साथ आओगे तो मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू मुराद, तुम मेरी इतनी केयर कर रहे हो। चलो ठीक है, टेक केयर। हाँ क्या कह रहे थे तुम? आप बहुत समझदार हैं, आपकी इसी छठी हिस्स की वजह से मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मुराद सर। क्या बात है आपकी,
क्या मतलब छठी हिस्स, क्या बातें कर रहे हो? बस ऐसे ही कह रहा हूँ, वैसे वक्त आने पर आपको मालूम हो जाएगा। प्लीज इसको दबा के रखिए। जाहिद, इस सैंपल को लैब लेकर जाओ। मैडम आप यहाँ बैठिए, आपके भी टेस्ट करने हैं। हाथ काट देती ना, मेरा हाथ काट देती। खून ऐसे लिया जैसे कोई जानवर हूं मैं। असली उठने में मेरी मदद करो। मेरे अल्लाह, असली मेरा खून जाया नहीं होना चाहिए, हमें कुछ करना होगा। ये जगह वही है जहाँ दीदम आती है अपना चेकअप करवाने। अच्छा तो ठीक है, लेकिन ऐसी नर्स के पास आती है वो? आखिर ये किस तरह की नर्स है? इतनी देर से वेन ही नहीं मिल रही थी और उसने ये बैंडेज किस तरह से लगाया हुआ है, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। शुक्र है दर्द कम हुआ। अच्छा एक काम करो, तुम इस तरफ आओ, बैठ जाओ यहाँ पर। अरे मेरे हाथ पर तो जोर मत दो। हाँ, क्या हम अपने मिशन पर ध्यान दें सिर्फ? देखो वो जैसे ही यहाँ पर आए तुम्हें उससे सब कुछ उगलवाना होगा। हाय, आप यहाँ पर रोज आती होंगी ना? बहुत अच्छी हैं आप, माशाल्लाह, और कितने अच्छे तरीके से अपना काम कर रही हैं। मैं सोच रही थी मेरी एक दोस्त है, मैं उसको आपके पास भेजूं ताकि वो आप जैसी काबिल नर्स से अपने टेस्ट करवा सके। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने ऐसा सोचा, वैसे मैं रोज यहीं पर ही होती हूँ, आप अपनी दोस्त को भेज दीजिएगा। हाँ ये क्लिनिक रोज खुला होता है। आपकी वेन्स मुश्किल से मिल रही हैं। अच्छा वाकई? एक्सक्यूज मी, लड़का मुझे अच्छी आदत का लग रहा है, वो लड़की तो ज्यादा बात भी नहीं कर रही है। मुझे तो इसकी हरकतों पे शक हो रहा है, यही मिली हुई है दीदम से। जिसे वेन न मिले वो नर्स कैसे हो सकती है? या अल्लाह, ऐसी भी नर्स होती है? अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया है। एपिक आ जाओ। लड़की प्रेग्नेंट है ही नहीं, तुम उसे प्रेगनेंसी की फेक रिपोर्ट्स बना बना कर देती हो। उन फेक रिपोर्ट्स की वजह से मुझे क्यों सजा दे रही हो? मेरी मजबूरी थी ये सब करना। अब मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मेरा दिमाग भी माफ हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुराद को ऐसा क्या झूठ बोलूं कि वो मेरी बात को सच मान ले। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे बताऊं तुम्हें ये बात। अचानक ही तबीयत खराब हो गई दीदम की। और इस वक्त बाबा दीदम कहाँ है? दीदम ठीक है, बच्चा मगर बच